वीडियो टू में आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसी में अभी भी मैं GIF में ही हूँ, ठीक है, कि पूरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि थोड़े टिपिकल सम्स को अब हम लोग देखेंगे, GIF और फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये दो चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में देखा था। थोड़ा सा और एक बार डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कल जब मैंने डिस्कशन किया था तो मुझे लगा था कि ठीक है, वही देखो, जब तुम लोग डिस्कशन में करोगे ना, डिस्कशन में आओगे, तो मैं चीजों को रिफाइन करते हुए निकल पाऊंगा, हो सकता है, इसीलिए। हाँ, तो GIF में हम लोग जानते थे कि क्या था, अगर x कोई भी रियल नंबर है तो x के अंदर हर समय एक इंटीग्रल पार्ट छुपा रहता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट छुपा रहता है। बॉक्स एक्स जो होता है, y इज इक्वल टू बॉक्स एक्स जो होता है, इसे GIF कहते हो। ये कैसे बिहेव करता है? ये इस टाइप से बिहेव करता है कि अगर तुम्हारा एक्स 0 से लेके 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच का बॉक्स इंटीग्रल जस्ट उससे छोटा, तो वो 0 होगा। अगर कोई चीज 1 से लेके 2 तक है तो बॉक्स 1 होगा। यहाँ पे इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है रे, ठीक है। तो यही चीज को जरा ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे इक्वालिटी तुम, ये नहीं है, मॉड जैसा नहीं है कि यहाँ पे भी लगा सकते हो, क्योंकि वन का बॉक्स, वन का जो बॉक्स होता है वो क्या होता है, 1। तो इसलिए ये इक्वलिटी ऊपर नहीं आएगा, मॉड जैसा केस नहीं है कि इक्वलिटी जहां मन चाहे वहीं पे लगा दो। तो ये, क्योंकि ये एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इससे अगर तुम अभी ड्रॉ करना चाहोगे, इससे अगर तुम अभी ड्रॉ करना चाहोगे, तो तुमने क्या देखा, एक्स अगर 0 से लेके 1 तक है, मतलब एक्स अगर 0 से लेके 1 तक है, ये एक्स है, तो वाई का वैल्यू हर समय 0 है, तो ये वाला लाइन, ये मगर 1 में नहीं। एक्स अगर 1 से लेके 2 तक है तो वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू 1 है, तो ये वाला लाइन 2 से लेके, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये 3, तो कैसा, ये तो ये ग्राफ को याद रखना होगा, 1 2। वैसे अगर तुम नीचे आओगे तो, मतलब अगर -1 से लेके 0 तक आओगे तब ये -1 होता, तो अगर ये -1 होता तो ये लेके फिर ये वाला, फिर ये -2 होता तो ये लेके ये वाला। तो इसे इसलिए स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टेप फंक्शन की तरह दिखता है, स्टेप फंक्शन। इसे फ्लोर भी कहा जाता है, फ्लोर ऑफ अ फंक्शन, फ्लोर ऑफ अ नंबर। तो किसी को देखना है तो देख लो, ये GIF है, ठीक है। 2 मिनट के लिए रुको, लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चलता हूं। ये अब फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है वो देखते हैं। जब तुम वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स लेते हो, तो फ्रैक्शनल एक्स एक्स माइनस बॉक्स एक्स, जैसे तुम्हें बॉक्स एक्स मिलता है, याद रखोगे अलग अलग इंटरवल में ये अलग अलग वैल्यू लेता है। मतलब अगर मैं 0 से लेके x 1 तक हूं तो मेरा ये बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसलिए y का वैल्यू क्या मिलेगा, x मिलेगा। अगर मैं -1 से लेके x 0 तक है तब क्या होगा, तब ये बॉक्स का वैल्यू, हाँ बोलो क्या होगा, क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो इसलिए ये कैसा दिखेगा, ये x+1 दिखेगा। अगर यहाँ पे 1 से लेके 2 तक होगा तब बोलो, चुप मत रहो, बोलो 1 से लेके 2 तक क्या होगा, इसका वैल्यू 1, तो क्या कैसा दिखेगा, ये x-1 इस टाइप से। अगर अगर ऊपर लिखना है तो लिख सकते हो। अब तो तुम बोलोगे सर आप बोरी कर रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, मगर आप ये, तो अब मैं इसे अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो इसके ग्राफ में ये है कि ये अलग अलग जगह अलग अलग चीज देगा। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं अलग अलग कलर से बनाऊंगा, ठीक है। ये वाले को मैं लाल से बनाऊंगा, ये वाले को मैं ब्लू से बनाऊंगा, और ये वाले को मैं ग्रे से बनाऊंगा, और मुझे बनाने का जरूरत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं लाल वाला देखना चाहता हूं, तो लाल वाला जो है वो 0 से 1 तक है। तो यहां पे जब तुम x का वैल्यू 0 डालोगे इस वाले में,
इस वाले में जब x का वैल्यू जीरो डालोगे तो यहाँ पे देखो ये x है, तो इसलिए वैल्यू क्या आया जीरो में, इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू अगर जीरो डालोगे तो जीरो आएगा, मतलब जीरो। अब वन, सर वन में इक्वल टू नहीं है, मैं जान रहा हूं वन में इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए उस वाले में मैं ऐसा एक सर्कल दे दूंगा, मगर वन तक जा तो रहा है, वन में इसका वैल्यू वन, तो वन में इसका वैल्यू वन, वन में इसका वैल्यू वन, ये, मगर वन नहीं जा रहा है। y is equal to x एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये हो गया y is equal to x। अब वन से टू में बोलो, मगर वन में क्या वैल्यू दे रहा है, वन में वन वन आने से तो नीचे आ रहा है, तो वन में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, डाल के देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ बोलो क्या हो रहा है, बस ऐसे बैठ के देखते मत रहो घर में बैठ के स्क्रीन में, बोलो, नहीं मुझे सुनाई नहीं दिया, कई लोगों ने नहीं बोला मैं जान रहा हूं। जब तुम x का वैल्यू 1 डालोगे तो x माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ अभी 50% लोगों ने बोला 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, रिमेनिंग 50% वाले बोलो अब, जब तुम ये 1 डालोगे यहाँ पे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो तो मतलब ये जीरो हो गया, ये ब्लू में आ गया, तो ये ब्लू में आ गया वन। अब जब टू डालोगे तो, जब टू डालोगे तो इसमें डालोगे ना, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, टू माइनस वन क्या वन, हाँ तो टू माइनस वन वन हो जाएगा, तो ये वाला लाइन। वैसे ही अगर बाकी सब भी जगह डाल के देखोगे ये यहाँ पे ये वाला लाइन आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला लाइन, तो ये एस, ये फ्रैक्शनल एक्स्ट्रा ग्राफ है, ये एक डिस्कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, मगर ये सेम ग्राफ रिपीट करता है, इसे हम पीरियोडिक कहते हैं, इसका पीरियोडिसिटी वन है, क्योंकि क्या हो रहा है ये वाला जो है ध्यान से देखो ये कट एंड पेस्ट हो रहा है, तो ये लेंथ कितना है, क्योंकि ये लेंथ वन यूनिट है, इसीलिए फ्रैक्शनल एक्स के साथ जब भी तुम कोई नेचुरल नंबर ऐड करते हो या इंटीजर ऐड करते हो तो वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, वो केवल फ्रैक्शनल एक्स देता है, ये इसका एक प्रॉपर्टी है, कि इसलिए अब से अगर तुम्हें कभी भी फ्रैक्शनल एक्स प्लस टू पूछूंगा तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो क्या फ्रैक्शनल एक्स, ये जस्ट वैसा ही प्रॉपर्टी है जो कहता है कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये वन पीरियोडिक होने के कारण तुम कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर ऐड करोगे तो फ्रैक्शनल के वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। तुम बोलोगे सर ये होता ही है, आप 2.3 में प्लस 2 कीजिए तो वो 4.3 हो जाएगा, मगर फ्रैक्शनल पद तो 0.3 ही रहेगा ना, तो इंटीग्रल ऐड करने से फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे अंतर पड़ने वाला है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। किसी को ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो, ऊपर वाला ड्रॉ कर लियो, नीचे वाला ड्रॉ कर लो, मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है चलो मैं आगे चल रहा हूं, इसे पॉज करके लिख लोगे, मैं आगे चल रहा हूं बोलने के बाद मैं कुछ देर तक रुकूंगा, ठीक है चलो। तो ये दो ग्राफ हमने देखा, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, लास्ट क्लास को थोड़ा सा बस, हाँ लास्ट वीडियो को एक बार, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम बॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूंगा कि तुम सॉल्व करो ट्वाइस बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ऐसे में तुमने बोला था कि सर ये क्या बन जाता है, ये क्वाड्रेटिक बन जाता है, बॉक्स एक्स को टी ले लेते हैं तो ये टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से तब तुम लिख सकते हो टू टी माइनस वन इंटू टू टी प्लस वन इंटू टू टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज आई रेट ट्वाइस टी प्लस वन इक्वल टू जीरो और टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज आई रेट टी इज इक्वल टू माइनस हाफ और टी इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज टी का वैल्यू बॉक्स एक्स माइनस हाफ, हो सकता है क्या, बॉक्स एक्स हर समय इंटीजर वैल्यू लेता है मगर ये माइनस हाफ ले रहा है, तो माइनस हाफ कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, हाँ बॉक्स एक्स वन हो सकता है क्या, हाँ वन हो सकता है, कब, एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, तो अगर बॉक्स इंटीग्रल पार्ट वन है तो फ्रैक्शनल पार्ट तो जीरो से वन तक कुछ भी लाई कर सकता है, तो बॉक्स एक्स अगर वन है तो एक्स तो वन से शुरू हो सकता है मगर कहाँ तक जा सकता है, वन से लेके टू तक, तो हेंस ये इसका आंसर हो जाएगा, किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चल रहा हूं, उसके बाद मैंने, मुझे याद है कल लास्ट क्लास में मैंने ये भी करवाया था कि सपोज बॉक्स एक्स 10 से छोटा है तो क्या इससे एक्स का कोई रेंज आएगा,
तो मैंने कहा था कि देखो वो जो लाइन बना के ड्रॉ किया जाता है वो देख के तुम्हें अच्छा लगेगा, मगर थोड़ा सा मैथमेटिकली अपने आप को मैच्योर करो, वरना फिर ये हम सो भी नहीं पाएंगे। बॉक्स एक्स 10 से छोटा, तो एक्स क्या केवल 10 तक होगा? नहीं, बॉक्स एक्स 10 हो सकता है ना, तो 10.1 भी हो सकता है तब x का वैल्यू, क्योंकि तब x का वैल्यू 10.1 होगा तो बॉक्स x 10 होता है। तो इसका मतलब होता है x 11 तक जा सकता है, 11 उसका अपर बाउंड्री होगा, इसे मैं अपर बाउंड कहता हूं। अब मैं जब अपर बाउंड कहता हूं तो जरूरी ही नहीं है कि वो उसे लेगा ही, हाँ इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि 11 का बॉक्स 11 था। मगर वही चीज अगर मैं कह दूं कि बॉक्स x लेस देन 9, तब बॉक्स x लेस देन 9 तो अपर बाउंड क्या होगा, जरा देखते हैं 9 का बॉक्स क्या होता है 9, मगर देखो यहां पे इक्वल टू नहीं है, चलेगा नहीं, 9 से थोड़ा छोटा, 8.9 का बॉक्स 8 चलेगा, बॉक्स x 9 से छोटा, सोचो हाँ चलेगा, 8 9 से छोटा होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा x लेस देन 9। तो बोलोगे सर दोनों में अंतर क्यों, अंतर है, इसमें इक्वल टू है इसमें इक्वल टू नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं करना है तो तुम इसे ऐसा सोचो ना, बॉक्स x 9 से छोटा इक्वल टू नहीं है, बॉक्स x असल में इंटीजर लेता है, तो बॉक्स x कहां तक जा सकता है, बॉक्स एक्स, ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं अब एक्स नहीं पूछ रहा हूं, इसका मतलब हो गया कि बॉक्स एक्स 8 तक जा सकता है, क्योंकि बॉक्स एक्स तो इंटीग्रल वैल्यू होगा, बॉक्स एक्स अगर 8 तक जाएगा तो एक्स किससे छोटा होगा, एक्स 9 से छोटा होगा। ठीक है चलो, और डाउट्स रहने से तो डिस्कशन वाले में हम लोग आएंगे, फिर डिस्कशन वाले में करवा दूंगा। ठीक है, तो ये एक करवाया था, किसी को लिखना है तो लिख लो, अब मैं आगे चलूंगा। उसके बाद NF मेथड कराया था, जो एक इंपॉर्टेंट मेथड है। उसके बाद NF मेथड करवाया था, NF मेथड। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं सॉल्व फोर फ्रैक्शनल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बॉक्स एक्स, तो क्या तरीका था, ऐसे सम को सॉल्व करने का तरीका था कि हम एक्स को एन प्लस एफ ले लेते थे, जहां पे एन मेरे लिए बॉक्स एक्स होता था और एफ मेरे लिए फ्रैक्शनल एक्स होता था, इसलिए एफ जो है वो जीरो से वन के बीच में लाई करता था और एन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता था। तो सब कुछ को अगर मैं वन में डाल दूं तो वन इंप्लाइज क्या हो जाएगा, तब फोर फ्रैक्शनल एक्स, पहले मैं वन को लिख लेता हूं, इज इक्वल टू एक्स प्लस बॉक्स एक्स, दिस इंप्लाइज फोर फ्रैक्शनल एक्स के बदले तुम एफ लिख सकते हो, एक्स के बदले एन प्लस एफ लिख सकते हो और बॉक्स एक्स के बदले एन लिख सकते हो, मतलब थ्राइस एफ इज इक्वल टू ट्वाइस एन। अब तुम क्या करोगे, तरीका ये था कि हम रे एफ को एन के टर्म में लेके आते थे, ये हमारा मेन तरीका था कि हम f को n के टर्म में लेके आते थे। क्यों, इससे ये फायदा होता था कि हम f का रेंज यूज करते थे कि f कहां से कहां तक लाई करता है, f 0 से 1 तक लाई करता है, मतलब इसमें मैं पहले ही बोल देता हूं gif परेशान करेगा, हाँ ये टॉपिक थोड़ा परेशान करने वाला टॉपिक है, सम्स मैं भी कराऊंगा, बीच बीच में dpps में देते रहूंगा, तो करना होगा। हाँ तो n अगर इंटीजर है और अगर 0 से 3 के बीच में, तो इससे n का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाता है, n क्या क्या हो सकता है, n 0 हो सकता है और n का वैल्यू 3/2 1 हो सकता है, 1.5 तक। अब n थोड़ा चाहिए तुम्हें, तो x चाहिए, तो x तो n प्लस f है, तो n मिल गया तो क्या कहीं से f मिलेगा, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो कहीं से मिल रहा है क्या, हाँ क्योंकि नंबर 2 से मुझे पता है कि अगर n का वैल्यू 0 है तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू 0 इसमें डाल दूंगा तो ये f का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब f का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो इससे x का वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि x n प्लस f था तो इसलिए x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, n का वैल्यू अगर 1 है तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 जो चलेगा, क्योंकि 2/3 तो 1 से छोटा है, तो अगर ये तुम्हें पता है तो इस यहां पे x का वैल्यू क्या होगा, n प्लस f, तो 1 + 2/3 तो इज इक्वल टू 3 + 2 5/3, तो हेंस x का दो वैल्यू आया, आंसर देयर आर टू सॉल्यूशंस, 1 is 0, 1 is 5/3, किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलेंगे। इसे NF मेथड कहते थे, जो एक इंपॉर्टेंट मेथड है।
अब मैं थोड़े टिपिकल सम्स करवा रहा हूँ इस टॉपिक के. अब मैं थोड़े टिपिकल सम्स में जाऊंगा, थोड़ा कंसंट्रेट करोगे तो आगे चल रहा हूँ. ठीक है, वो तुम लोग को पॉज करके लिखना, तुम लोग का काम है, मैं आगे चल रहा हूँ. तो हर समय ये नहीं, कई बार हम लोग, अब कई बार अलग अलग टाइप बताते जा रहा हूं, कई बार हम लोग ग्राफिकल हम लोग वो इंटरवल निकाल लेते हैं, ग्राफ से हम वो इंटरवल निकाल लेते हैं जहां पे सॉल्यूशन लाई करेगा, वेयर सॉल्यूशन लाइज. क्योंकि एक बार अगर इंटरवल निकाल लेते हो ना एन से एन प्लस वन तक, तो बॉक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है. तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, बताता हूं. सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस बॉक्स एक्स इक्वल टू जीरो. मैं फिर से कह रहा हूं, सम थोड़ा सा टिपिकल होगा सॉल्यूशन. तो ये सॉल्व करने का मतलब है कि ग्राफिकली मुझे दो चीज सॉल्व करना है कि x माइनस फोर इज इक्वल टू बॉक्स x. मतलब ग्राफिकली मुझे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए जहां पे मुझे दो कर्व पता है. एक कर्व मुझे मालूम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और एक कर्व पता है y इज इक्वल टू बॉक्स x. जब तुम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर का बात करते हो तो ये एक अपवर्ड पैराबोला होता है. जब तुम y इक्वल टू बॉक्स x का बात करते हो, ये 2 है ये माइनस 2 है. तो अभी हम लोगों ने देखा था 0 से 1 में 1 था, 1 से 2 में 1 था, और ये तो वन से टू में 1 था. तो फिर टू से 3 में, तो 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जा रहा है पहले ये देखो. तो 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू क्या हो रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पुट अप करके बोलो क्या हो रहा है. 3 का वैल्यू 3 3 9 9 माइनस 4 5, तभी इंटरेस्ट आएगा 5. हाँ, मगर बॉक्स का वैल्यू केवल 3 होगा, तो ये नीचे होगा कहीं पे, 2 से 3 में नीचे, फिर 2 कहीं पे होगा. हाँ, तो 2 जो होगा वो ये रहा, और 3 में तो ये काफी ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए ये वाला. ठीक है, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो फिर तुमने देखा 5 ले रहा है. तो इससे क्या मिला, इससे अब आगे तो फिर ऐसा चल, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे. हाँ, कॉमन सेंस भी तो इस टाइप से चले, आगे तो और तो रूट मिलने वाला है नहीं ना, क्योंकि अब तो दोनों कैसे, तो इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है कर्व का. दो कर्व है ना, एक वाई ये बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स वाला ये कर्व है, और एक ये काला कर्व. तो इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहा है. तो ये इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ तक है. तो इससे क्या हुआ ना कि इससे मैंने इंस्पेक्शन से एक चीज निकाल लिया, कि रूट तो मुझे नहीं मालूम चला, मगर रूट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है मुझे पता चल रहा है कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे. रूट एग्जिस्ट कर रहा है अगर एक्स 2 से लेके 3 के बीच में हो. तो सर क्या फायदा, मतलब बॉक्स एक्स का वैल्यू तुम्हें पता चल गया ना, तब क्या होगा, एक्स अगर 2 से 3 में है, बॉक्स एक्स 2 में है, और तुम्हें 1 को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो 1 implies एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 0. तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6. तो दिस इंप्लाइज एक्स का दो वैल्यू रूट 6 और माइनस रूट 6. मगर माइनस रूट 6 नहीं हो सकता है सर, क्यों, इस घर में घुसने से पहले तुमने ये इंस्पेक्शन से देख लिया है कि रूट 2 से 3 के बीच में लाई करना चाहिए, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है. तो केवल पॉसिबिलिटी है एक्स इक्वल टू रूट 6, मगर जो चीज ऊपर कर रहे थे वो नीचे भी जा सकते हो. तो नीचे भी तुम ऐसे देखोगे ये 0 से 1 है, फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, माइनस 1. तो माइनस 1 से 0 में फिर से ये नीचे आ जाएगा, फिर ये माइनस 2, तो ये फिर यहां पे ऐसा कुछ होगा. तो ये जो इंटरसेक्शन है ये कहां का इंटरसेक्शन है, एक्स कहां से कहां तक है, एक्स कहां से कहां तक है इसके करस्पॉन्डिंग. तो ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये बताता है कि वन मोर रूट एग्जिस्ट करेगा. वो कहां से कहां तक, वो रूट एग्जिस्ट करेगा
माइनस टू से लेके माइनस वन तक, माइनस टू में इक्वल टू देने का जरूरत नहीं है सर। क्या फायदा, क्या फायदा, मतलब बॉक्स एक्स का वैल्यू तब तुम्हें पता चल गया माइनस टू, अरे अभी जो कर रहे थे तो फिर वन इम्प्लाइज, तो तुम्हें फिर इस वन इम्प्लाइज ये वाले में, तो वन इम्प्लाइज क्या, माइनस टू है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस बॉक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो एक्स का दो वैल्यू आया प्लस माइनस रूट टू, मगर क्योंकि तुम माइनस टू से माइनस वन में तो प्लस पॉसिबल नहीं है, तो एक्स का वैल्यू क्या मिला, तो वी गेट टू रूट्स, क्या क्या रूट्स मिला, तो तुम्हें मिला एक्स का वैल्यू माइनस रूट टू और माइनस रूट सिक्स, लिखना है तो लिख लो। अब अंतर बताता हूँ, ठीक है, जब ऑनलाइन लाइव क्लास होता है तो ऐसे सम्स कराने में थोड़ा मुश्किल होता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग है कि एकदम सही बात बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग है, इस सम को समझने के लिए तुम्हें कंसंट्रेशन एक एक स्टेप में चाहिए, और एज अ ह्यूमन बींग कई बार वो कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है, तो मैं डरता हूं लाइव क्लास में इस टाइप के सम्स को करवाने में, मगर रिकॉर्डिंग में मुझे वो डर नहीं है क्योंकि इसके बाद मैं डिस्कशन लेने वाला हूं। तो अगर कोई जेन्युइनली बच्चा समझना चाह रहा है तो वो दो बार ये वीडियो देखेगा, फिर डिस्कशन में बोलेगा सर और एक बार समझा दीजिए, मैं और एक बार समझा दूंगा, ठीक है, तो मैं ज्यादा ये बात नहीं बोलूंगा। तो कहां पे पीरियड्स में चेंज करना तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है, बस मैंने वो दिखा दिया है, किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं आगे चलूंगा पॉज करके। बस वही वाली बात है कि तुम्हें मगर पंचुअली चीजों को करना होगा, मैं असाइनमेंट सीरीज दूंगा, सबमिट करना होगा, ठीक है, सॉल्व। सेम चीज कभी कभी यहां पे भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस फ्रैक्शनल एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे कौन कौन से दो कर्व होंगे, ठीक है, तुम पॉज करके खुद ट्राई करो एक बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जब कर रहा हूं तो तुम्हें करना ही होगा, मगर क्योंकि मैं दो सम करवाना चाहूंगा, तुम लोग आराम से पॉज कर लो और खुद ट्राई करो जिनको करने का मन है। तो इसमें दो कर्व होंगे, एक कर्व होगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और एक कर्व होगा वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स। चलो शुरू करते हैं। तो ये जीरो, ये रूट थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये माइनस रूट थ्री। मैं जानता हूं कि जीरो से वन के बीच में, ठीक है, ये वन है, तो यहां पे जीरो से लेकर रूट थ्री के बीच में कहीं पे वन होगा, तो एक फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ ऐसा था, वो तुम्हें याद रखना होगा। मैं फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ ब्लू से बना रहा हूँ, ये ब्लू से बना रहा हूं और ये ब्लैक से बना रहा हूं, ठीक है, तो ये ब्लू, हाँ, वन से लेके फिर यहां पे टू तक है, फिर टू से लेके थ्री तक, कुछ ऐसा अब वो ग्राफ याद रखना होगा सर, ग्राफ याद नहीं रहता है तब एक्सट्रीमली सॉरी मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा, वो तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है, ग्राफ याद रखना होगा, एग्जाम दूंगा तो एग्जाम तुम्हें घर में करके करना होगा देख के, तो इससे ठीक है वो, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है लैटरल, तो मुझे आप बोलो कि ये एक्स एक्सिस है तो रूट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा। मैं एक काम करता हूँ, जहां जहां रूट एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे लाल रंग कर दे रहा हूँ, इंटरसेक्शन ब्लू और ब्लैक का यहाँ पे है, ये रहा इंटरसेक्शन, नहीं क्या ये इंटरसेक्शन है, तो ये एक्स का एक रेंज है और एक एक्स का एक रेंज है, कहां से कहां तक, हाँ ठीक है, चार पांच बंदों ने बोला और बाकी लोग बोलो कहां से कहां तक, ये वाला पॉइंट, हाँ, तो इसे कहां से कहां तक बोलोगे, एक्स कहां से कहां तक है बोलो, अरे बोलो ना चिल्ला के, घर में बैठे हो तो क्या नहीं चिल्ला सकते हो, घर में रहने से मोदी जी बोलते हैं तो फिर आराम से ठप 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 करके मारते हो ये, हाँ वो घर में कर सकते हो बर्तन, मगर मैं जब बोल रहा हूं तो मेरा बात नहीं बोल सकते हो, कहां से कहां तक करूं, हाँ कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो दो केस आएगा, तो पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस माइनस टू से लेके एक्स अगर माइनस वन तक आएगा,
तो सर फायदा क्या, फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू आप नहीं लिख सकते, मुझे भी मालूम है, मगर मैं फ्रैक्शनल एक्स को एक चीज लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स लिख सकता हूँ। अब माइनस टू से माइनस वन में बॉक्स का वैल्यू माइनस टू, वेरी गुड, तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो यहां से x का वैल्यू आया 1 प्लस माइनस रूट ओवर 21 बाय 2, मतलब x का दो वैल्यू आया, एक आया 1 प्लस रूट ओवर, और कौन सा वैल्यू नहीं लेगा कोई बोलेगा क्या, क्या तुमने कुछ सोचा है, हाँ कहां से कहां तक, माइनस टू से लेके माइनस वन तक, तो इसलिए ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये कहां पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 माइनस रूट ओवर 21 बाय 2, क्या ये माइनस टू से माइनस वन तक लाई करता है, देख लो 1 माइनस रूट ओवर 21 इज माइनस 4 पॉइंट समथिंग, 4.2 के आसपास डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो माइनस 3.2 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1.56 के आसपास, हाँ माइनस टू से माइनस वन, तो ये पॉसिबल है, समझ में आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मैंने देखा, सॉरी हाँ फोन ऑन था और मैं कुछ समझा रहा था इसीलिए। लिखते रहो तो समझ में आया, तो वैसा और एक मगर पॉसिबिलिटी है, कौन सा कहां से कहां तक बोलो, ये तो मैंने फर्स्ट वाला लिया ना, और एक पॉसिबिलिटी है कहां से कहां तक, हाँ और एक ये यहां पे कर दूं, केस टू, केस टू पॉसिबल है कहां से कहां तक, अगर एक्स वन से लेके टू तक होगा तब बॉक्स एक्स का वैल्यू डायरेक्टली यही वाला होगा ना, यही तो आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स, फ्रैक्शनल एक्स तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स, और अगर एक्स वन से लेके टू तक तो बॉक्स एक्स का वैल्यू वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू माइनस वन, कैलकुलेशन सही है ना, तो x2 पॉसिबल है क्या, इक्वल टू तो है नहीं, वन से लेके टू तक का, तो ये पॉसिबल नहीं है, x माइनस वन भी पॉसिबल नहीं है, तो हेंस केवल एक ही रूट आएगा, ओनली वन रूट इज पॉसिबल, तो समझ में आया क्या हो रहा है, एल्गोरिथम समझ में आया क्या है, फिर से मैं कह रहा हूं, मुझे बोलने में कहीं शर्म नहीं लग रहा है कि दीज आर नॉट द कॉन्सेप्चुअल मेथड, दीज आर द हेरिस्टिक प्रोसेसेस, देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्रोसेस टू सॉल्व सम टाइप ऑफ एग्जांपल्स, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, कहीं पे n प्लस एफ लगता है, कहीं पे ग्राफ लगेगा, कहीं पे अभी तुम देखोगे n प्लस एफ को ब्रेक करके लगाऊंगा, चलो लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलूंगा। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज, हाँ तो प्रॉपर्टीज को मैं बाद में एक बार लिखवा दूंगा यहीं पे, अभी मुझे जो जो प्रॉपर्टी का जरूरत होता है मैं उस प्रॉपर्टी को बस लिखते हुए जा रहा हूँ, हाँ वो ज्यादा बेटर है, वरना फिर बोर हो जाओगे, लास्ट में प्रॉपर्टीज लिखवा दूंगा। तो अब मेरा कहना है कि देयर इज वन प्रॉपर्टी, बॉक्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर बॉक्स एक्स के साथ कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी इंटीजर अगर लेते हो आई, कोई भी इंटीजर, तो i बाहर निकल जाता है और ये बॉक्स x प्लस i हो जाता है, मतलब इंटीजर बाहर निकल सकता है, वो करके तुम देख सकते हो 3.4 प्लस 3 कैट करके देखो,
ठीक है, क्योंकि आई तो फ्रैक्शन पार्ट में कोई चेंज नहीं करेगा, तो आई मतलब मेरा कहना है कि अगर तुम्हें बॉक्स एक्स प्लस सिक्स का भी कोई पूछे तो तुम उसे आराम से बॉक्स एक्स प्लस सिक्स लिख सकते हो, मगर ये तभी अगर आई इंटीजर है। हाँ, मगर तुम बोलोगे सर बॉक्स एक्स प्लस 6.2 को नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस 6.2, 6.2 तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कैसे हो सकता है, यहाँ पे बॉक्स एक्स तो ये तो हर समय इंटीजर होगा। तो तुम बोलोगे ठीक है, नहीं ठीक है सर एक काम करेंगे तब, ये इसे अगर 6 लिख लें, नहीं ये भी नहीं लिख सकते, वो तुम देखोगे क्यों। हाँ, क्योंकि एक्स का वैल्यू जब 0.9 लेके देखो समझ में आ जाएगा, 0.2 और 0.9 जब प्लस करते हो तो वो 1.1 होता है, तो वो जो 1 है वो 6 के साथ ऐड हो जा रहा है, जो यहाँ पे खत्म कर दे रहे हो तुम जब बॉक्स एक्स का केवल अकेला लेते हो, तो करके देखो जो मैंने कहा। मैंने क्या कहा, एक्स को 0.9 लेके देखो समझ में आ जाएगा, और वो 0.9 मैंने इसलिए कहा क्योंकि 0.9 और 0.2 मिलके तुमको 1.1 देता है, तो एक इंटीग्रल पार्ट दे दे रहा है 0.3 लेने से नहीं, 0.3 लेने से अंतर नहीं होगा, इसमें पॉसिबल है क्योंकि तब 0.5 होता है, तो 0 इंटीग्रल पार्ट है तो इसलिए वो कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो इंटीग्रल पार्ट बाहर निकल जाता है। तो जैसे अब अगर मैं जैसे तुमसे पूछूं कि सॉल्व बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 9, ध्यान से सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दिखने से तो अजीब लग रहा है, मगर मेरा कहना है ये जो बॉक्स है क्या ये इंटीजर होगा, इसका वैल्यू इंटीजर होगा या नहीं, इस पूरे कार्य में पूरा बॉक्स को लेके बोल रहा हूं, क्योंकि बॉक्स तो हर समय इंटीजर होता है, और अगर ये इंटीजर है, ये वाला अगर इंटीजर है, तो मैंने अभी कहा था कि बॉक्स एक्स प्लस इंटीजर में इंटीजर बाहर आ जाता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा बॉक्स एक्स प्लस इंटीजर क्या है यहाँ पे, ये बॉक्स एक्स प्लस तो ये 3x बाहर आ जाएगा। समझ में आया क्यों आया, किसी को डाउट है तो घर में अभी बैठ के 3x को एक इंटीजर n ले ले, और फिर यहाँ पे x प्लस n को प्रॉपर्टी में लिखे, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा समझ में, कि अगर तुम इसे n ले लेते हो तो ये 9 हो गया, मगर n इंटीजर होने के कारण ये बॉक्स x n बाहर निकल गया, मगर n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू 3x था, पुट अप कर दो। ठीक है, तो अब क्या ये 3 सर बाहर आएगा, नहीं आएगा, थ्री बाहर नहीं आएगा, मैंने n जब मल्टीप्लाई होता है तो मैंने नहीं कहा है कि nx में से, मैंने नहीं कहा है कि n बाहर आ जाता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मगर यहां एक प्रॉब्लम है, इसे अभी तक सॉल्व करना मैंने सिखाया नहीं है, तो सॉरी। हाँ, ये सब को थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, तो सर क्या करोगे आप, मैं बता रहा हूँ, सॉरी। हाँ, ये नहीं, ठीक है, मुझे मैं चीजों को चेंज कर रहा हूँ, ये सब मैं आऊंगा, हाँ घबराओ मत, क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ उस सब में। मेरा कहना है मैं पहले एक काम करता हूँ, बॉक्स एक्स प्लस एकदम एक्स प्लस 3 ले लेता हूँ, अब मुझे बोलोगे ये सॉल्व करना है, तो सेम लॉजिक से मुझे बोल पाओगे क्या होगा, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये एक इंटीजर है, अगर ये एक इंटीजर है तो ये कहां पे आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बॉक्स एक्स प्लस क्या, बॉक्स एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब फिर से क्या, ये एक इंटीजर है तो ये बाहर आ जाएगा, समझोगे, मैं पहला एक आसान सम करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे काटा है, कभी कभी क्या होता है कि लगता है अरे ये तो वही वाला सम है मुझे, ठीक है, मगर वो था नहीं जो मैं करवाना चाह रहा था, तो इज इक्वल टू 6 नहीं क्या, तो बॉक्स एक्स का वैल्यू 3, तो अगर बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 तो एक्स कहां से कहां तक, हाँ वेरी गुड, 3 से लेके 4 तक, खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो तो ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, चलो उसके बाद देखो,
आगे चल रहा हूं। सॉल्व बॉक्स टॉय सेक्स दो मिनट को, ये सब मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग को दे दूं, मैं कोई दूसरा सम कर लूं, मैं ये सम कर देता हूं। थ्राइस एक्स प्लस फाइव फ्रैक्शनल एक्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ बॉक्स, समझ में आया ऊपर वाला जो अभी हटाया था। अब देखो बॉक्स एक साथ ट्वाइस एक्स है, तो तुम बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम समझो सर, एक्स को एन प्लस एफ लीजिए, वही लूंगा, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जब तुम x को n प्लस f लेते हो तो बॉक्स x का नहीं है, बॉक्स ट्वाइस x का, इसलिए ट्वाइस x जो होता है वो ट्वाइस n प्लस ट्वाइस f हो जाता है। और वैसा होने से मैं बॉक्स ट्वाइस x को क्या लिख सकता हूँ, तुम लोगों में से कई लोग मुझे बोलोगे सर ट्वाइस n लिख सकते हो, क्यों, f ही जीरो से वन तक है ना, ट्वाइस f तो जीरो से वन तक नहीं लाई कर रहा है, प्रॉब्लम हो गया ना, f जीरो से वन तक लाई करता है, तो ट्वाइस f जो है वो तो जीरो से टू तक लाई करेगा ना, और अब जीरो से वन, तो इसका मतलब हुआ कि जब मेरे पास जीरो से लेके ट्वाइस एफ वन तक लाई करता है तब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तब मैं बॉक्स ऑफ ट्वाइस एक्स का वैल्यू डायरेक्टली ट्वाइस एन लिख सकता हूं। मगर जब मेरा ट्वाइस एफ वन से लेके टू तक लाई करता है तब ये फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं होना, क्योंकि ये वन से टू तक लाई करेगा, तो वो वन पॉइंट समथिंग में जो वो वन है वो एन के साथ, इस एन के साथ ऐड हो जाता है, तो इसीलिए बॉक्स ट्वाइस एक्स का वैल्यू जो होता है वो ट्वाइस एन प्लस वन हो जाता है, क्योंकि ट्वाइस एफ का वैल्यू वन से टू तक है, तो फ्रैक्शन इसका मतलब है कि ट्वाइस एफ विल लुक लाइक समथिंग लाइक 1.3, तो ये जो वन है वो एन के साथ ऐड हो जाता है। सर समझ में नहीं आया, ठीक है, मेरा कहना है कि एक्स का वैल्यू जब तुम 2.2 लेते हो तो ट्वाइस एक्स का वैल्यू तुम लेते हो 4.4, तो बॉक्स ऑफ ट्वाइस एक्स जो होता है वो 4 होता है, बॉक्स ऑफ एक्स जो होता है वो 2 होता है, और 4 को तुम 2 इंटू 2 लिख सकते हो, मतलब तुम तो इसको तुम 2 इंटू बॉक्स एक्स लिख सकते हो। मगर देखो अगर मैं एक्स को 2.2 नहीं लेके एक ऐसा नंबर लेता हूं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है, 0.2 का डबल 0.4 जो 1 से बड़ा नहीं होता है, मगर एक्स को अगर मैं 2.8 ले लेता हूं तब प्रॉब्लम हो जाएगा, तब फ्रैक्शनल पास 0.8 है। देखो अब यहाँ पे तो जब तुम ट्वाइस एफ लेते हो तो वो 1.6 हो जाता है, तो ये 1 इंटीग्रल पार्ट के साथ लगेगा, देखोगे तो ट्वाइस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.6, और तब बॉक्स ट्वाइस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बॉक्स ट्वाइस एक्स का वैल्यू 5 होगा, तो ये देखो यहाँ ये, और बॉक्स एक्स का वैल्यू तो मगर 2 हो रहा है, तो ये तो इसका डबल नहीं है ना, ये क्या हुआ, ये 2 × 2 + 1 हो गया, तो एक 1 आ गया ना, ये 1 क्यों आया, ये 1, ये 1.6 वाला 1, तो इसीलिए मेरा कहना है कि जब तुम्हें बॉक्स ट्वाइस एक्स दिया रहेगा तो तुम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें क्या करना होगा, f में ब्रेक करना होगा, इट्स ओके, तुम x का ये एल्गोरिथम है, इसका ये इसका एल्गोरिथम है, x को तुम n प्लस f लोगे, तुम जानते हो कि f जो है वो 0 से 1 के बीच में लाइक करता है, मगर जब तुम ट्वाइस एक्स का बात करते हो तो ये ट्वाइस f आएगा, और ट्वाइस एफ तब तुम्हारे पास 0 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा, और तब अब तुम इसे दो पार्ट में ब्रेक करोगे, एक पार्ट तुम्हारा ब्रेक होगा अगर ट्वाइस एफ 0 से लेके 1 के बीच में हो, और एक पार्ट ब्रेक करोगे अगर एफ ट्वाइस एफ 1 से लेके 2 के बीच में हो, ट्वाइस एफ अगर मतलब एफ अगर तुम्हारे पास 0 से लेके हाफ के बीच में होता है, तब अगर एक्स को तुमने एन प्लस एफ लिया है तो बॉक्स एक्स एन होगा और बॉक्स ट्वाइस एक्स में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि ट्वाइस एफ भी 0 से 1 में है, ये ट्वाइस एन होगा, मगर एफ अगर 1/2 से लेके 1 तक लाई करता है तब जब तुम एक्स को एन प्लस एफ देते हो तब बॉक्स एक्स तो एन होगा, मगर ये जो एक 1 एक्स्ट्रा आ जाता है ये बॉक्स ट्वाइस एक्स के साथ ऐड हो जाता है, इसलिए ये ट्वाइस एन प्लस 1 होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला चीज, ठीक है, इस चीज को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट दो मिनट रुको, हाँ वो मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं, हाँ तो चलो, तो समझ में आया, तो इसी से इसका मतलब है कि अगर, तो पहले इस चीज को समझो कि अगर
सपोज तुम्हें कभी 5x दिखे, जस्ट वेट अ मिनट, तुम्हें अगर कभी 5x दिखे तो इसका मतलब है तुम x को n प्लस एफ लोगे, मगर जब तुम 5x करोगे तो ये 5n प्लस 5f होगा। तो क्योंकि f 0 से 1 तक हो सकता है तो 5f जो होगा वो 0 से लेके 5 तक होगा। तो इसमें बोलोगे आप ब्रेकआउट तब क्या क्या लोगे, तो यहां पे तुम्हारा जो ब्रेकआउट गिरेगा वो 5 ब्रेकआउट गिरेगा। एक गिरेगा अगर 0 से लेके 5f 1 तक होगा, एक 1 से लेके 5f 2 तक होगा, एक 2 से लेके 5f 3 तक होगा, और बाकी सब लिख लोगे 4 5 तक के लिए। अब 5f जब 0 से लेके 1 तक होगा तब इसका कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इसलिए ये इसके साथ कुछ ऐड नहीं करेगा, इसलिए बॉक्स ऑफ 5x जो होगा वो तुम डायरेक्टली 5n लिख सकते हो। मगर जब 5f 1 से लेके 2 तक होगा तब क्या करेगा, ये जो 5f में 1 पॉइंट समथिंग है ये 1 जो है वो इंटीजर के साथ ऐड हो जाता है, इसलिए बॉक्स ऑफ 5x जो लिखोगे वो तुम 5n प्लस 1 लिखोगे। यहाँ पे बॉक्स ऑफ 5x तब क्या होगा, कोई मुझे बोलेगा 5f अगर 2 से लेके 3 तक है तो ये इंटीग्रल पार्ट 2 इंटीजर के साथ लगेगा और ये तब कैसा दिखेगा, 5n प्लस 2 और रिमेनिंग दो केसेस। तो इस चीज को समझो, और मेरे ख्याल में इस चीज को हम ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे जब हम सम्स को करेंगे। किसी को लिखना है तो लिख लो ये चीज, मैं अब आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं जैसे ये वाला सम पहले बताता हूँ, ये सम या चलो अब वहीं से शुरू करते हैं, नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने एक सम देखा था जो मैंने छोड़ दिया था कि अरे अभी नहीं कर पाऊंगा, कि x प्लस बॉक्स ऑफ थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 9 को सॉल्व करना है। अब थ्राइस एक्स होने के कारण मैं जानता हूं कि लेट x को मैं n प्लस f लूंगा, तो थ्राइस एक्स मेरे पास थ्राइस n प्लस थ्राइस f हो जाएगा। तो मैं जानता हूं कि f जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो थ्राइस f जो होगा वो 0 से लेके 3 के बीच में होगा। तो टोटल 0 से 3 के बीच में 3 इंटीग्रल वैल्यूज आते हैं, 0 से 3 के बीच में 3 बार डिवाइड करेगा, कहां से कहां तक, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। ये थ्राइस f का बात मैं कह रहा हूं, नहीं क्या, तो इसलिए मैं अलग अलग केस लूंगा। केस 1, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, थ्राइस f जब 0 से 1 तक लोगे तो f कहां से कहां तक लोगे, f अगर 0 से 1 तक होगा 1/3 तक होगा, नहीं क्या, सॉरी मैंने गलती लिख दिया तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, कहां से कहां तक, अगर थ्राइस f 0 से लेके 1 तक होगा तो f कहां से कहां तक होगा, f जो होगा वो मेरा 0 से लेके 1/3 तक होगा। ऐसे केस में थ्राइस x का वैल्यू थ्राइस n प्लस थ्राइस f होगा और बॉक्स ऑफ थ्राइस x का वैल्यू तब थ्राइस n ही होगा। आया समझ में ना, क्योंकि थ्राइस f 0 से 1 तक है तो इसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, और बॉक्स एक्स का वैल्यू, बॉक्स एक्स का वैल्यू तो हर समय ये एन प्लस एफ तुमने लिया है तो बॉक्स एक्स एन हो जाएगा। तो इक्वेशन वन कैसा दिखेगा तब, तब इक्वेशन वन इंप्लाइज, इक्वेशन वन इंप्लाइज तुम्हारे पास है बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 9। तो दिस इंप्लाइज बॉक्स एक्स का मतलब एन प्लस थ्राइस एन इक्वल टू 9, तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू 9/4 जो पॉसिबल नहीं है। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड केस क्या हुआ, ये तो पहला केस था 0 से 1 के बीच में, अब कौन सा केस आएगा, अगर थ्राइस एफ 1 से लेके 2 के बीच में होगा, क्योंकि थ्राइस एफ कहां से कहां तक है, थ्राइस एफ मेरे पास है 0 से लेके 3 के बीच में। तो पहला केस मैंने 0 से 1 वाला ले लिया है, अब मेरे पास 1 से लेके थ्राइस एफ अगर 2 तक होगा, मतलब एफ का वैल्यू अगर 1/3 से लेके 2/3 तक होगा। इस केस में थ्राइस एक्स जो होता है वो थ्राइस एन प्लस थ्राइस एफ होता है, क्योंकि एक्स को तुमने एन प्लस एफ लिया है, इसलिए बॉक्स ऑफ थ्राइस एक्स जो होगा वो केवल थ्राइस एन नहीं होगा, ये थ्राइस एफ क्योंकि 1 से 2 तक है तो ये जो एक इंटीग्रल पार्ट 1 है वो एन के थ्राइस एन के साथ एड हो जाता है, इसलिए वो थ्राइस एन प्लस 1 होगा। तो बॉक्स थ्राइस एक्स थ्राइस एन प्लस 1 हो गया, बॉक्स एक्स एन हो गया,
और मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो था बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ थ्राइस एक्स इक्वल टू 9, पुट अप करना शुरू करो तो n प्लस थ्राइस n प्लस 1 इक्वल टू 9, तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 2, ठीक है, तो n2 हो सकता है, तो मगर अगर n2 होगा तो f कहां से कहां तक है, क्योंकि अब f कहां से आएगा, f का एक रेंज मुझे मालूम है कि f तो मैं जानता हूं कि इस घर में घुसने से पहले ही मैंने सोच लिया है कि f का वैल्यू 2/3 तक है, पर मेरा x क्या था, क्योंकि x n प्लस f था, तो अगर मैं सब में n ऐड कर देता हूं n प्लस f, और यहां पे n का वैल्यू मुझे मिल गया है कितना 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा n प्लस 1/3 से लेके n प्लस 2/3, अगर n का वैल्यू 2 डाल दूं तो 2 प्लस 1/3 से लेके x n प्लस f के बदले क्या डाल सकता हूं, x कहां तक 2 प्लस 2/3, तो मतलब x मेरा कहां से कहां तक आया, x मेरा 7/3 से 8/3 तक आया, ओपन इंटरवल, ये केस 2 है, वैसा और एक केस लूंगा, कौन सा बोलो, हाँ कहां से कहां तक है f, तो मेरे पास थ्राइस f कहां से कहां तक था 0 से 3 तक, तो मैंने 0 से 1 लिया, मैंने 1 से 2 लिया, और एक केस लूंगा, कौन सा केस लूंगा, इतना लिख लोगे क्या, पहले लिख लो, ठीक है पहले इतना, ठीक है मैं आगे चल रहा हूं, तुम लोग वो पॉज करके लिख लोगे इसको, तो लास्ट केस, लास्ट थर्ड केस क्या है, चलो एकदम थर्ड केस लिख लिया है तुम लोगों ने ऊपर वाला मेरे ख्यालों में, तो अब ध्यान से देखो, तुमने थ्राइस एफ अब तुम लोगे 2 से लेके 3 तक, तो f का वैल्यू 2/3 से लेके 1 तक, ऐसे में अगर 2 थ्राइस, तो x का वैल्यू क्योंकि n प्लस f था तो बॉक्स x तो n होगा, और थ्राइस x का वैल्यू थ्राइस n प्लस थ्राइस f, और थ्राइस f 2 से लेके 3 तक है, तो इसका जो ये इंटीग्रल पार्ट 2 है वो थ्राइस n के साथ ऐड करेगा, इसलिए बॉक्स ऑफ थ्राइस x क्या हो जाएगा, तब थ्राइस n प्लस 2, अब सॉल्व किसको करना है, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 9, तो इसका मतलब एन प्लस थ्राइस एन प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो एन का वैल्यू 9/7/4 जो पॉसिबल नहीं है, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए एक्स का वैल्यू मेरे ख्याल में कुछ आया था 7/3 से लेके 3 to 6 7/3 से लेके 8/3 तक, अपन इंटरवल, हेंस ये आंसर होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, और एक सम करवाओ, ऊपर में एक सम बाकी है मैं जानता हूं, ठीक है, ये तो लिख लिया होगा, ये लिख लो फिर ये लिख लो, ठीक है मैं आगे चल रहा हूं, पॉज करके लिख लो इसको, ये वाला समझो सॉल्व, तो अब यहां पे जब तुम्हें ये ट्वाइस एक्स दिख रहा है, इसका मतलब है कि अब तुम्हें अलग अलग केस लेना होगा, तो अब जरा बुद्धि लगाओ, डायरेक्टली सोचो, हाँ ट्वाइस एक्स के कारण ट्वाइस एफ आएगा, एफ 0 से 1 तक था, इसलिए ट्वाइस एफ कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 2 तक, मैं डायरेक्टली अब इसलिए लिख रहा हूँ, हाँ केस नंबर 1, 0 से 1 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ट्वाइस एफ 0 से 1, तो एफ कहां से कहां तक, एफ 0 से लेके पहले हाफ तक लोगे, नहीं क्या, तो f अगर 0 से हाफ तक होता है, मतलब ट्वाइस f का वैल्यू, ठीक चलो लिख ही लेता हूं, इसमें कोई पंगा नहीं है, ट्वाइस f 0 से लेके अगर 1 तक होता है, तो मुझे थ्राइस x प्लस 5 x माइनस फ्रैक्शनल x के बदले मैं लिख रहा हूं, फोर, चलो लिखना शुरू करो, ये थ्राइस n प्लस f प्लस 5f, ये लिखने का जरूरत नहीं था, ये तो फ्रैक्शनल x है तो f ही लिखोगे, इज इक्वल टू 4, अब इसका वैल्यू ट्वाइस, ट्वाइस f अगर 0 से 1 तक है तो ट्वाइस x कहां से कहां तक होगा, x को तुमने n प्लस f लिया है, तो बॉक्स x का वैल्यू n है,
तो ट्वाइस एक्स का वैल्यू ट्वाइस एन प्लस ट्वाइस एफ है, मगर ट्वाइस एफ क्योंकि जीरो से वन तक है तो वो कोई इंटीग्रल पार्ट ऐड नहीं करेगा, तो इसलिए इसका इंटीग्रल पार्ट जो ट्वाइस एन है वो केवल ट्वाइस एन ही रहेगा। तो ये ट्वाइस एन प्लस थ्री, तो इसका मतलब ट्वाइस एन प्लस एफ प्लस फाइव एफ, फोर टू जा एट एन प्लस थ्री, तो दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा 5n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8। अब क्या करोगे, अब f तुम जानते हो, अब याद रखो रे f जीरो से वन नहीं है, f कहां से कहां तक है, इस घर में घुसने से पहले तुमने कुछ एज्यूम किया है। हाँ क्या तुमने एज्यूम किया है कि f जो है वो जीरो से हाफ तक है, मतलब तुमने एज्यूम किया है कि जीरो से लेके f जो है वो हाफ तक है, तो f के बदले वैल्यू क्या डाल सकते हो, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू 5n प्लस 3 बाय 8 इज लेस देन हाफ, तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस 3 बाय 5 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन 1 बाय 5, मगर n इंटीजर है इसलिए n क्या क्या हो सकता है, तब माइनस 3 बाय 5 तो जीरो, तो n का केवल एक ही वैल्यू आ सकता है क्या, जीरो, तो n जीरो, तो f का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से तो f का वैल्यू आ जाएगा ना, क्योंकि f तो ये होना पड़ेगा, तो f कितना आया 3 बाय 8, मतलब 3 बाय 8 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तुम्हें फिर ये फिर बहुत कुछ देखना होगा, फिर ये देखना होगा कि क्या वो जीरो से हाफ तक लाई कर रहा है, हाँ 3 बाय 8 लाई कर रहा है, तो इसलिए अगर x और n मिल गया तो x का वैल्यू मिल गया, n और f मिल गया, तो कितना n प्लस f इज इक्वल टू कितना 3 बाय 8, तो ये तो जीरो से हाफ तक था, वैसे ही अब और एक केस लोगे, ये अब मैं नहीं ले रहा हूं, वो तुम लोग खुद करोगे, कहां से कहां तक f अगर हाफ से लेके वन तक होगा तब तब ट्वाइस एक्स का वैल्यू ट्वाइस एन प्लस ट्वाइस एफ होता है, इसलिए बॉक्स ट्वाइस एक्स का वैल्यू, क्योंकि f ट्वाइस एफ अब वन से लेके टू तक है, तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है वो ट्वाइस एन के साथ एड हो जाएगा, तो वो ट्वाइस एन प्लस वन हो जाएगा। अब ऊपर वाले में डाल के देख लेना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, इसी टाइप से करके देखो कि दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है, किसी को लिखना है तो लिख लो। अब आगे चल रहा हूं, ठीक है, आगे चल रहा हूँ, हाँ पॉज करके लिखोगे, हाँ तो जिस जैसे ब्रेकआउट है वैसा ब्रेकआउट करके देखना होगा अलग अलग इंटरवल्स में। चलो, there are some more properties, box minus x कैसे बिहेव करता है, तो ये डिपेंड करेगा, x अगर इंटीजर है तब तुम माइनस को बाहर निकाल सकते हो, मगर x इंटीजर अगर नहीं है तो तुम इसको माइनस x नहीं कहोगे, तुम बोलोगे सर क्यों, अरे इतना क्यों चिंता करते हो, एक वैल्यू डाल के देखो ना, x को 2.3 ले लो, तो box x का वैल्यू तो माइनस एक्स का वैल्यू माइनस 2.3, तो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस 3, मगर माइनस 3 और 2 तो क्या मिला, तो माइनस 3 को क्या लिख सकते हो, माइनस 2 माइनस 1 लिख सकते हो ना, ताकि माइनस 2 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस माइनस बॉक्स एक्स माइनस 1, नहीं क्या यही हो सकता ना, माइनस 3 तो 2 के इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए माइनस कहां बाहर निकला, इसमें 2 आया इसमें माइनस 3 आया, तो अगर x इंटीजर नहीं है तब तुम इसको क्या लिखोगे, तब तुम इसको माइनस बॉक्स x बाहर निकालोगे मगर एक बार माइनस 1 दोगे, तो x माइनस जब भी तुम बॉक्स के अंदर देखोगे तो बाहर निकालने के लिए तुम्हें दो केस लेना होगा। सिमिलरली फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x में भी दो केस होता है, अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल x तो जीरो ही होता है तो तुम जीरो ही लिखोगे, और अगर इंटीजर नहीं है तो माइनस बाहर नहीं आता है, ये 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल x आता है, हां क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो भी करके देखो यार 0.3 करके देखो ना, फ्रैक्शनल ऑफ 0.3 कितना होता है, 0.3 होता है नहीं क्या, पर फ्रैक्शनल ऑफ माइनस ऑफ 0.3 क्या होता है, याद है 0.7 था, तो इसलिए ये दो बाय डिफॉल्ट ब्रांचिंग है, तो इसलिए जब भी तुम माइनस देखोगे तो तुम्हें दो अलग अलग केस लेना ही पड़ेगा, लिखना है तो लिख लो, मैं आगे चलूंगा, ये डिफॉल्ट ब्रांचिंग है, ठीक है। तो जैसे अगर अब मैं तुमसे कहता हूं कि कभी सॉल्व करो,
बॉक्स एक्स। नेक्स्ट दो तीन क्लास थोड़ा सा टिपिकल होगा रे, रेंज उंज में भी हाँ, उसके बाद फिर चीजें थोड़ा नॉर्मल होगा हाँ, क्योंकि ये वो एक बेस फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूं, बॉक्स वॉक्स हर जगह जरूरत पड़ता है इसीलिए। तो क्योंकि मुझे ये दिखा तो अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मेरे पास मुझे दो केस लेना ही होगा सॉल्यूशन। केस वन, अगर एक्स इंटीजर है तब तब एक्स का वैल्यू एन होगा, तो बॉक्स एक्स का वैल्यू एन होगा और फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स भी जीरो होगा, क्योंकि माइनस एक्स भी एक इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो अगर एक्स इंटीजर है तो वन इंप्लाइज कैसा दिखा तब, तो वन इंप्लाइज बॉक्स एक्स प्लस टू ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्राइस एक्स। अगर एक्स इंटीजर है तब तो ये बॉक्स एक्स ही जैसा दिखेगा, ये जीरो दिखेगा क्योंकि ये इंटीजर है, इज इक्वल टू थ्राइस एक्स। बॉक्स एक्स अगर इंटीजर है तो ये एन दिखेगा प्लस इज इक्वल टू थ्राइस एन। तो इससे एक ही पॉसिबिलिटी आएगा, एन इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो एक ही पॉसिबिलिटी है एक्स एन। एक्स मैंने एन लिया है क्योंकि मेरा केस ही है एक्स जब इंटीजर था, तो एक्स जीरो, ये एक सॉल्यूशन मिला। केस टू लेता हूं, अगर x इंटीजर नहीं है तब फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x का वैल्यू था, अब वो ये सब याद रखना होगा सर, याद नहीं रहेगा तब, जय हिंद, याद तब मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा। तो अगर x इंटीजर नहीं है तो इसलिए x का वैल्यू तब n प्लस f जैसा दिखेगा। अब f देखो इक्वल टू नहीं लोगे रे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब f को इक्वल टू नहीं लोगे क्योंकि f अब इंटीजर नहीं है, x इंटीजर नहीं है, वो ऊपर वाला केस जा चुका है। तो दिस इंप्लाइज ये तुम्हारे पास बॉक्स एक्स होगा माइनस टू इंटू फ्रैक्शनल एक्स, मैंने गलती किया, माइनस ये वाला लिखना होगा मुझे, मुझे ये वाला लिखना होगा। तो ये क्या होगा, बॉक्स एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ वन माइनस फ्रैक्शनल एक्स इज इक्वल टू थ्राइस एक्स। और यहां से वैल्यू लिखो, आप बॉक्स एक्स का वैल्यू एन है, टू टाइम्स ऑफ वन माइनस एफ इज इक्वल टू थ्री एक्स के बदले एन प्लस एफ। आ रहा है समझ में, वैल्यू पुट अप करते जा रहा हूं। तो यहां से मुझे मिलेगा एन प्लस टू माइनस ट्वाइस एफ इज इक्वल टू थ्राइस एन प्लस थ्राइस एफ। तो यहां से अगर ये इस साइड चला गया तो ये फाइव एफ हो जाएगा, ये इस साइड आ गया तो ये माइनस ट्वाइस एन हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। तो f का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस ट्वाइस एन डिवाइडेड बाय 5। अब मुझे मालूम है f का रेंज कहां से कहां तक, इक्वल टू नहीं होगा रे क्योंकि अब तुम इस घर में घुसने से पहले मान चुके हो कि x इंटीजर नहीं है। f 0 से 1 तक है, इसका मतलब 0 इज लेस देन 2 माइनस ट्वाइस एन बाय 5 इज लेस देन 1। तो दिस इंप्लाइज 0 इज लेस देन 2 माइनस ट्वाइस एन इज लेस देन 5। तो दिस इंप्लाइज माइनस 2 इज लेस देन माइनस ट्वाइस एन, 5 माइनस 2 3, मतलब माइनस थ्री इज लेस देन ट्वाइस एन इज लेस देन टू। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनिक्वालिटी मैंने चेंज कर दिया, तो माइनस थ्री बाय टू इज लेस देन वन। तो इसका मतलब माइनस 1.5 से लेके एन 1 तक है और एन इंटीजर है, तो एन क्या क्या हो सकता है, माइनस 1.5 है इसलिए एन का वैल्यू माइनस 1 हो सकता है और एन का वैल्यू 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा तब, तो एफ का वैल्यू माइनस 1 लोगे तो 2 प्लस 1 2 4 बाय 5 हो जाएगा। f का वैल्यू अगर n का वैल्यू 0 लोगो तो f का वैल्यू 2 बाय 5। तो x का वैल्यू क्या था, n प्लस f, तो माइनस 1 प्लस 4 बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 5। और यहां से x का वैल्यू 0 प्लस 2 बाय 5 इज इक्वल टू 2 बाय 5। तो तुम्हें तीन सॉल्यूशन मिला क्या, माइनस 1 बाय 5, 2 बाय 5 और एक मिला क्या 0। तो हेंस देयर आर थ्री सॉल्यूशंस, ठीक है। सो किसी को अब लिखना है तो लिख लो। तो तब जब भी तुम इस टाइप से माइनस बॉक्स एक्स देखोगे या माइनस एक्स देखोगे तो इसमें तुम्हें दो केस लेना ही पड़ेगा, वरना आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए दे रहा हूँ, हाँ लिख लो, मैं फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा वरना, हाँ ये लिख लो, मैं आगे चल रहा हूँ, तुम लोग पॉज करके इसे लिखो एक बार, हाँ फिर मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो इसे पॉज करके लिखो। चलो मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है, आगे चल रहा हूँ।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन बाय एक्स एंड एक्स स्क्वायर फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू रूट टू टू रूट थ्री आर इक्वल देन एक्स टू पावर फोर माइनस थ्री बाय एक्स इक्वल टू इसका वैल्यू If the fractional part of 1 by x and x square for some x belongs to root 2 to root 3 are equal, then x to the power 4 minus 3 by x is equal to. शुरू करूं? चलो तो अब देखो यहां पे x दिया हुआ है कहां से कहां तक है रूट टू से लेके रूट थ्री तक क्या कह रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाय एक्स मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाय एक्स जो होगा वो किसके इक्वल है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है फ्रैक्शनल को मैं कह सकता हूं कि 80% टाइम बॉक्स में चेंज किया जाता है क्योंकि बॉक्स में चेंज करने से क्या फायदा होता है याद है नहीं ठीक है मेरे साथ कहोगे बॉक्स बिहेव लाइक अ कांस्टेंट क्या बॉक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है लाइफ आसान हो जाता है अब देखो कितना आसान हो गया क्योंकि एक्स टू से लेकर थ्री तक है तो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहां से मैं दो चीज लिख सकता हूं नारे यहां से मैं एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा तब वहां बोलो ना सुनने में नहीं आया सुनने में नहीं आया मैं दक्षिण गांव में रहता हूं इतना हल्ला करके बोलो कि मुझे सुनाई दे हाँ कहां से कहां तक टू से लेके थ्री तक तो एक्स स्क्वायर अगर टू से लेके थ्री तक तो बॉक्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा टू एक्स अगर रूट टू से लेके रूट थ्री तक तो वन बाय एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा रेसिप्रोकल वन बाय रूट थ्री से लेके तो ये दोनों ही वन से छोटा क्वांटिटी है नहीं क्या वन बाय थ्री भी और वन बाय टू भी ये दोनों ही छोटे क्वांटिटीज हैं इसीलिए बॉक्स ऑफ वन बाय एक्स कितना हो जाएगा क्योंकि दोनों ही जीरो से वन के बीच में लाई करते हैं तो ये जीरो होगा तो प्लीज इस चीज को समझने का कोशिश करोगे हाँ कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उससे मैंने इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल लिया है क्या निकला था मेरे पास वन बाय एक्स जीरो है तो इसका मतलब क्या मिला मुझे वन बाय एक्स इज माइनस जीरो इज इक्वल टू और एक्स स्क्वायर क्या होगा टू तो दिस इंप्लाइज क्या मिला क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो इंस्पेक्शन कोई रूट निकल रहा है हाँ वन निकल रहा है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस निकल रहा है ना क्या माइनस वन निकल रहा है एक्स क्यूब माइनस वन प्लस माइनस वन निकल रहा है तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस तो इसलिए एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन जीरो क्या फायदा यहां से एक्स कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो कॉमन क्या आ रहा है एक्स प्लस वन तो यहाँ पे एक एक्स माइनस वन बच जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो आइडर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पॉसिबल नहीं है सर क्यों क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि रूट टू से लेके एक्स रूट थ्री तक लाई करता है इसीलिए ये गिवन है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है एक्स टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स ये कैसे निकालोगे तुम्हें निकालने बोल रहा है एक्स टू पावर फोर माइनस थ्री बाय एक्स तो इसे निकालने का एक तरीका है कि एक्स टू पावर फाइव माइनस थ्री बाय एक्स कर सकते हो और अब चीजों को छोटा करते जाओ ध्यान से देखोगे ये भी एक तरीका है मैं चीजों को छोटा करते हुए जाऊंगा कैसे एक्स टू पावर फाइव में एक एक्स को कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस थ्री बाय एक्स मैं छोटा करते हुए जाऊंगा ध्यान से देखो हाँ एक्स स्क्वायर के बदले क्या डाल सकता हूँ तब मैं डाल सकता हूँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो ये एक्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस वन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स
अब फिर से क्या कर सकता हूं, फिर से एक्स क्यूब को छोटा कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं क्या? यहां से मैं एक्स क्यूब के बदले क्या लिख सकता हूं, एक एक्स के साथ एक एक्स स्क्वायर ले लेता हूं, प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स। क्या फायदा, मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता है कितना है, एक्स प्लस वन। मैं चीजों को देखो छोटा करते जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, मैंने एक्स क्यूब को एक एक्स निकाल लिया ताकि एक्स स्क्वायर, अब मैं एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वन। तो ये एक्स इंटू इस एक्स स्क्वायर के बदले अब क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वन प्लस टू इस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूं तब, क्योंकि एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय कितना, एक्स। तो ये क्या मिलेगा, ये मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय क्या, एक्स। तो क्या मिला, मैं फिर से एक एक्स स्क्वायर आ गया, तो इस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वन। ट्वाइस एक्स कितने, एक्स ट्वाइस एक्स थ्राइस एक्स फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू प्लस थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या, एक्स। वन और वन आपस में क्या हुआ, कैंसिल, तो आंसर आ गया कितना, फाइव। खेला खत्म। तो देखो कैसे रिड्यूस हुआ है, समझ में आया? अननेसेसरी सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल के एक्स टू पावर फोर निकाल के लंबा करने का जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो पावर को तुम घटा रहे हो, एक्स स्क्वायर को किसके टर्म में ला रहे हो, एक्स के टर्म में। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो मुझे एक्स टू पावर फाइव मिला। अब मैं पावर को छोटा करना शुरू करूंगा, इस प्रोसेस को समझो। एक्स स्क्वायर मैं जानता था, इसलिए एक्स फाइव को मैंने एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिखा, ताकि अब मैं ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब डाल रहा हूँ तो देखो जो एक्स क्यूब पर फाइव था वो किसके टर्म में आ गया, एक्स क्यूब के टर्म में, इसे रिडक्शन कहते हैं। अब फिर से एक्स क्यूब में डाल दिया मैंने तो किसके टर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर के टर्म में। फिर से एक्स मैंने डाल दिया तो सब किसके टर्म में आ गया, एक्स के टर्म में। क्योंकि तुम जब अगर तुम लॉजिकली सोचो, अगर तुम एक्स स्क्वायर को एक्स के टर्म में लिख सकते हो, इसका मतलब है जितना भी वैल्यूज दिया हुआ है सबको तुम एक्स के टर्म में लिख सकते हो। किसी को लिखना है तो लिख लो, लंबा समय मैं जानता हूं, इतना लंबा समय एक बार ध्यान से, या हो सकता है कि दो बार वीडियो भी देख लो, हाँ, और दो बार वीडियो भी देख लो। लिख लो, मेहनत तो करना होगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, ठीक है? अब पूरा कोशिश करूंगा इस साल वो चीज ना हो, हाँ, कि अरे मतलब एक एक जो पार्ट मेरा बच जाता है और फिर वो ना हो, हाँ। और वो ऑनलाइन क्लास के कारण होता है, क्योंकि ऑनलाइन लाइव क्लास में क्या होता है कि चीजें का थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो जाता है, और बहुत ज्यादा टफ सम्स कराने में फिर फील होता है कि अरे समझे, ठीक है? तो यहाँ पे अब बात ऐसा है कि यहाँ पे तो मुझे जितना कराना है मैं करा ही दूंगा, और उसके बाद वो तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग को देखो समझो, नहीं समझ में आता है तो मुझसे आके दोबारा पूछो। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मुझसे पूछ नहीं सकते, ये गलत बात है। तुम बोलोगे अरे सर आपसे पूछ सकते हैं क्या, अरे पूछ क्यों नहीं सकते, हक है तुम्हारा पूछना, तुम्हारा हक क्या कि तुम मुझसे पूछो। नहीं सर, पूछने में डर लगता है, डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं देखता हूं डर नहीं लगता है। घर में जब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे तो पूछने भी लगोगे, घर में जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो फिर उसके बाद तब वही होगा, नहीं सर से पूछने मुझे डर लगता है इसीलिए मैं सर से नहीं पूछता हूँ। तो फिर दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है कि अगर मेरे अंदर वो डर नहीं होता तो मैं सर से पूरा पूछ लेता और मैं भी सब समझ कर लेता। ठीक है, चलो आगे चलता हूं, ठीक है? और दो सम करवाऊंगा, दो मिनट को, चार्ज नहीं है पेंसिल।
तो प्रॉब्लम नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स बाय टू प्लस ट्वाइस एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखो हाँ, फिर अब इसका एक अलग मेथड है, ये सब एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेस है। मैं बार बार एक लैंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ सम्स बना के देखना होगा, तुम्हें याद रखना होगा, फिर सोचना होगा ओ ऐसे होता है, तो हम ट्राई करेंगे घर में बैठ के। सॉल्यूशन यहां पे आप कभी कभी तुम्हें सबसे इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो इंस्पेक्शन, क्या बॉक्स एक्स बाय टू प्लस बॉक्स ट्वाइस एक्स बाय थ्री एक्स है। ध्यान से देखो ये भी हर समय इंटीजर होगा, ये पूरा होगा या नहीं, क्योंकि बॉक्स तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ये भी क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी होना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड मस्ट बी इंटीजर। तो इससे एक बहुत बड़ा चीज तुम्हें पता चल गया कि एक्स मस्ट बी इंटीजर। ये बहुत बड़ा बात है कि एक्स केवल इंटीजर हो सकता है। तो एक्स का वैल्यू क्या लूंगा, तो इसके लिए तरीका ये होता है कि हम लोग डिनोमिनेटर में देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या क्या है, टू और थ्री। तो एक्स को एक ऐसा मल्टीपल लूंगा कि ये कैंसिल करने में आसान हो जाए। टू और थ्री का एलसीएम मुझे मालूम है सिक्स है। तो मेरा कहना है कि अगर ऐसे में तरीका क्या होता है कि मैं सिक्स के टर्म में लूंगा। मतलब मेरा कहना है कि अगर एक्स इंटीजर है और अगर तुम एक्स को सिक्स के टर्म में बोलोगे तो एक्स क्या क्या हो सकता है। केस वन, पहला ये केस हो सकता है कि एक्स सिक्स का मल्टीपल ही हो। तो घबराओ मत, मैं और भी केसेस लूंगा। हाँ, एक्स अगर सिक्स का मल्टीपल हो तब वन कैसा दिखेगा, तब तो तुम वन में डायरेक्टली डाल सकते हो सिक्स बाय टू, तो कितना आया सिक्स एन बाय टू, तो ये तो थ्राइस एन हो जाएगा, इंटीजर हो गया। प्लस सिक्स टू जो ट्वेल्व, तो प्लस फोर एन इज इक्वल टू कितना सिक्स एन, तो इसका मतलब आ गया सेवन एन इज इक्वल टू सिक्स एन। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी देगा, एन इक्वल टू जीरो। तो एक सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू जीरो, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है, मतलब मैं ना रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूं कि x को मैं पार्टीशन कर रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 से अगर डिविजिबल है तो क्या क्या हो सकता है। तो अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ सकता है। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर तुम ये लेते हो तो x बाय टू कैसा दिखेगा तब, तो x बाय टू तुम्हारे पास दिखेगा थ्राइस एन प्लस हाफ। तो हाफ तो 0.5 कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए बॉक्स ऑफ x बाय टू कैसा दिखेगा थ्राइस एन, समझो इस चीज को। हाँ, और ट्वाइस x बाय थ्री कैसा दिखेगा तब, टू बाय थ्री, तो ये सिक्स है तो थ्री से अगर डिवाइड कर दोगे तो ट्वेल्व, ट्वेल्व बाय थ्री, तो ये फोर एन प्लस टू बाय थ्री। यही दिखेगा ना, तो ट्वाइस एक्स बाय थ्री कैसा दिखेगा, टू टू ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व एन प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री। हाँ, तो यही तो दिखेगा। हाँ, तो बॉक्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय थ्री कैसा दिखेगा, बॉक्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय थ्री तब फोर एन दिखेगा, क्योंकि टू बाय थ्री तो जीरो पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ है, तो बॉक्स तो केवल फोर एन का लेगा, ये तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। और तब वन कैसा दिखेगा, जब वन में डाल दोगे, मतलब इस वाले में अगर डाल दोगे तो वन इंप्लाइज क्या, तो वन इंप्लाइज तुम्हारे पास होगा x बाय टू प्लस क्या था तो ट्वाइस x बाय थ्री इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, इज इक्वल टू x। तो x बाय टू का मतलब थ्राइस एन, ट्वाइस x बाय थ्री का मतलब फोर एन, x का वैल्यू सिक्स एन प्लस वन। तो इसका मतलब n का वैल्यू वन आ रहा है। अगर n का वैल्यू n आ रहा है तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 7 आया। वैसे ही अब और क्या हो सकता है, कोई बोलेगा केस 3। हाँ, जब तुम किसी को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, तो 2। तो क्या क्या केस होगा समझ में आया, 6n प्लस 2 भी लोगे, 6n प्लस 3 भी लोगे, 6n प्लस 4 भी लोगे, और
सिक्स एन प्लस फाइव, यही पॉसिबिलिटी है ना। जब जब भी तुम कोई एक नंबर को सिक्स के मल्टीपल में ब्रेक करोगे तो सिक्स एन प्लस टू, सिक्स एन प्लस थ्री, सिक्स एन प्लस फोर, सिक्स एन प्लस फाइव। तो जैसे मैं कोई एक दूसरा वाला लेना चाहता हूँ, जैसे मैं इस वाले में दिखाना चाहता हूँ, तो इस वाले में जब तुम एक्स बाय टू लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थ्राइस एन प्लस थ्री बाय टू हो जाएगा। तो बॉक्स ऑफ एक्स बाय टू क्या होगा, बॉक्स ऑफ एक्स बाय टू थ्री एन नहीं होगा रे, क्योंकि थ्री बाय टू फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, थ्री बाय टू 1.5 होता है, तो इसका एक जो वन है वो थ्री एन के साथ आ जाएगा। तो इसलिए बॉक्स एक्स बाय टू जो होगा वो थ्री एन प्लस वन आएगा, समझ में आया, क्योंकि ये है तुम्हारे पास थ्री एन प्लस 1.5 ना रे, तो इसको तो थ्री एन प्लस वन प्लस 0.5 डालोगे, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये इंटीग्रल पार्ट है। तो तुम्हें हर एक के लिए डाल के देखना होगा, जैसे यहाँ पे जब तुम एक्स बाय टू करोगे तो ये तो इंटीग्रल ही है, तो ये तो थ्राइस एन प्लस वन डायरेक्टली आ जाएगा, और यहाँ पे जब तुम एक्स बाय टू करोगे तो ये थ्राइस एन प्लस फाइव बाय टू, फाइव बाय टू का मतलब 2.5, इसलिए बॉक्स ऑफ एक्स बाय टू जो होगा वो थ्राइस एन प्लस 2.5 का इंटीग्रल 2 होता है, तो वो 2 होगा। और हर एक चीज को इस टाइप से ब्रेक करके देखोगे, इसका तरीका ही है। मतलब अगर मैं कभी तुमसे कभी पूछता हूँ कि तुम सॉल्व करो, करने का जरूरत नहीं है, एक्स बाय टू प्लस सपोज एक्स बाय फाइव, ये बहुत बड़ा सम हो जाएगा, इज इक्वल टू थ्राइस एक्स, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो 10 केस लेना होगा, कौन कौन सा, x अगर 10n है, x अगर 10n प्लस 1 है, x नहीं तो क्या हो सकता है 10n प्लस 2, और लास्टली जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 आ सकता है। तो ये सब केस तुम्हें पुट अप करके देखना होगा। तो यहाँ पे खेला इस एलसीएम का है, इस एल्गोरिथम को समझो, इस एलसीएम, यार मैं यहाँ ठीक है इसे x प्लस टू ले लेता हूँ, ताकि मतलब 3x होने से नहीं होगा रे, वो फिर इंटीजर वाला बात नहीं आएगा, अगर ये इंटीजर है तो, वरना वो सॉल्व करना भी आसान नहीं है, ठीक है, इंटीजर है तो अब किसी को लिखना है तो ऊपर वाला लिख लो इसको, हाँ ये पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं दे दूंगा अभी असाइनमेंट शीट में, ठीक है, तो तुम लोग फिर सबमिट करके देखोगे एक बार अगर करना चाहते हो तो। कोशिश करूंगा कि जो एक थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, कोशिश कर देखता हूँ, ठीक है। इस टाइप पीरियड से डिवाइड करने से क्या हो रहा है कि मेरे लिए चीजें रिलेटिवली आसान हो जाएगा, हाँ मैं सबसे कह रहा हूँ, हाँ मैं खुद कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर इसी चीज के लिए, हाँ, और लास्ट ईयर हम लोग ऐसा था भी नहीं, इस साल अब अच्छा बेटर ये हो गया कि हम लोग चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर पा रहे हैं, केवल वही स्टूडेंट्स हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, वही वीडियोस देख रहे हो, ये बात अलग है कि तुम अपने फ्रेंड को पासवर्ड दे देते हो वो भी देख लेता है, मुझे उससे कोई लेना देना थोड़ी नहीं है। ठीक है, अब एक दो सम हो सकता है कि मैं सीट में ऐसा दे दूं जो तुमसे नहीं हो, तो घबराना नहीं है, पूछना है, हाँ वो दे दिया भी इसलिए भी जाएगा, हाँ। तो चलो, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे अब खत्म कर रहा हूँ, ये सेकंड वीडियो है, हाँ। थर्ड वीडियो में सिग्नम फंक्शन अभी जो है और मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन एक होता है, वो फंक्शन तुम्हें दिखेगा। तो मैं ना छोटा छोटा वीडियो, ठीक है, वीडियोस मतलब क्या होगा कि वी विल, ठीक है, वी विल डिवाइड इन सेशंस, एंड इस सेशन विल डिवाइड विल बी, इस सेशन विल डिवाइड इन सम, वो ठीक है, हर एक सेशन में डिवाइड करूंगा, सेशन वन, ये सेशन टू है, इस सेशन विल डिवाइड इन सम एपिसोड, तो हमने दो एपिसोड कर लिया है, अब हम तीसरा एपिसोड करेंगे जिसमें हम सिग्नम फंक्शन और मैक्स मिन देखेंगे, हाँ। तो पहले मैं इतने को अपलोड कर देता हूँ कि एटलीस्ट इतना तुम देखना शुरू करो, और फिर उसके बाद, ठीक है।